हाँ, जो है हमारे पास रेडमी का नोट 8 प्रो का जो चार्जिंग बोर्ड है, जिसका हम चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। इसका जो टाइप सी जैक है, कैसे आसानी से चेंज करें, जी आज हम बताएंगे। सबसे पहले हमने जो माइक पे टेप लगा लेनी है, और इसके पीछे जो ग्लू लगा है, इसे कट करने के लिए हमारी जो SMD का टेम्परेचर हम रखें 240, जिससे सिर्फ हमारा ये ग्लू ही मेल्ट होगा और उसे हम आसानी से इस ब्लेड की मदद से देख सकते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं। इसे रिमूव करने से जो हमारी हीट है वो पिन तक प्रॉपर जाती है और कोई भी हमारा जो ट्रैक वगैरह मिस नहीं होता। हम आप देख सकते हैं हमारा जो ग्लू है वो एकदम से निकल चुका है। अब हमने SMD का जो टेम्परेचर उसे बढ़ाकर 300 कर लेना है, और हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी जो हीट है वो माइक की तरफ ना जाए। माइक के ऊपर हमने दो जो हमारे हीट टेप है उसके जो लेयर लगा रखे हैं, देख सकते हैं जो हमारा जैक जो आसानी से निकल चुका है। अब इसके ऊपर से हम जो हीट टेप हटा देंगे, देख सकते हैं कितने करीब माइक था इसका, इसलिए इसके ऊपर हमें दो लेयर जो है हीट टेप की लगानी चाहिए, फिर हमारा जो माइक है उसमें हीट वगैरह नहीं जाती और ख़राब नहीं होता। और सबसे बड़ी ध्यान हमने ये भी रखना है कि हमारा जो फ्लक्स वगैरह या कोई भी केमिकल साफ़ करने वाला भी इसमें ना जाए। अब इसका जो सोल्डरिंग के ऊपर जो पुराना सोल्डर है उसे हम क्लीन करेंगे। उसे क्लीन करने के लिए जो हमारा आयरन का टेम्परेचर 400 होगा, हमने जो सोल्डरिंग विक की मदद से इसे क्लीन करना है, और उस पर थोड़ा रोजिन लगा कर देख सकते हैं अच्छे से हमने क्लीनिंग कर ली है। अब इसके ऊपर जो लगा हुआ फ्लक्स है उसे क्लीन करेंगे। उसे क्लीन करने के लिए इसके ऊपर हमने कपड़ा रखना है, और जो हमारा मैकेनिक का PCB क्लीनर आता है उससे क्लीन करेंगे। हमने ध्यान इसे कपड़ा रख कर ही करना है, ताकि जो हमारा जो जो केमिकल है वो माइक के सुराख के अंदर ना जाए और हमारा माइक डैमेज ना हो। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ जो ग्लू है उसे भी हम साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारा जो जैकेट प्रॉपर अच्छे से बैठ सके। इसे क्लीन करने के लिए टेम्परेचर हमने कम ही रखना है, 240 रखना है। अब इसके ऊपर हम जो ट्रैक है वो ऊपर अच्छे से फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स हमने अच्छे से लगाना है, इससे हमारे जो पिन है वो आपस में शॉर्ट नहीं होते और प्रॉपर से एक ही बार में बड़े बड़े अच्छे से सोल्डर हो जाते हैं। इसी तरह जो हमने फ्लक्स जैसे बोर्ड पे लगाया, इसी तरह हमने जैक पर भी लगा देना है। देख सकते हैं फ्लक्स हमने अच्छा खासा यूज़ करना है, जिससे हमारा जो जो हम इस PPT लगाएंगे वो ड्राई ना हो। अब हम इसके ऊपर जो 183 टेम्परेचर वाला PPT लगाएंगे। हम जो PPT यूज़ करते हैं वो रियल लाइफ का है। इसे अच्छे से हमने ट्रैक पर बिछा देना है, सभी ट्रैक को हमने PPT से कवर कर देना है, और इसके ऊपर फिर हम जैक रखेंगे अपना। ज़्यादा PPT यूज़ नहीं करना है, वरना हमारा जो PPT हो आजू बाजू में फैल जाएगा। ठीक ठाक सा हमने मात्रा में इसे सिर्फ यूज़ करना है। अब इसके ऊपर हम जो जैक लगाएंगे, हमारा जो जैक एकदम OG क्वालिटी का है, इसलिए इसके पिन वगैरह एकदम प्रॉपर सीध में है। अब हमारे जो आयरन का जो टेम्परेचर वो 400 रखना है, और हल्के हाथों से आयरन को इसके ऊपर स्लाइड करना है। हमने प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ ऊपर की ओर स्लाइड ही करना है। देख सकते हैं हमारी जो पिन है कितनी अच्छे से शानदार से सोल्डर हो चुकी हैं। ये कोई भी अगर हमारा जो पिन जुड़ा हुआ है उसे हमने आयरन को आगे पीछे करना है, तो हमारा जो पिन है अलग हो जाएंगे। देख सकते हैं इस पर ये हमारा इतनी आसानी से इसलिए सोल्डर हो चुका है क्योंकि हमने फ्लक्स अच्छे खासा यूज़ किया है। जैक को और बोर्ड पर हमेशा फ्लक्स लगा कर फिर ही PVD लगाएं, फिर जो जो हमारा जो सोल्डर है बहुत अच्छा होता है, और जो हमारी पिन है वो आपस में शॉर्ट वगैरह नहीं होती। अब इसी तरह हम इसके जो साइडों में लगे उन्हें सोल्डर कर लेंगे, ताकि हमारा जैक एकदम मजबूत लग सके। इस तरह लगाया जैक एकदम ओरिजिनल कंपनी जैसे जैक की तरह काम करता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। ये हमने जो इस पे जैक लगाया है, ये भी OG क्वालिटी का है। आयरन का टेम्परेचर हमें 400 रखना है। अगर कम टेम्परेचर होगा तो हमारी पिन आपस में शॉर्ट हो जाएगी और हमें दोबारा दोबारा उठाकर उसे लगाना पड़ेगा। और हमने जो आयरन वगैरह है वो भी एकदम अच्छे यूज़ करने हैं, और जो फ्लक्स वगैरह है उसे देख सकते हैं हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। हमारी फिनिशिंग जो एकदम ज़बरदस्त आई है, एकदम ओरिजिनल जैसी फिनिशिंग आई है, और ये जल्दी ख़राब ही नहीं होगा। इस तरह लगाया जैक एकदम प्रॉपर वर्क करेगा और अच्छे